डीआरडीओ के एनसीबी ऑफिस के सामने भिड़न का ये वीडियो अब हुआ वायरल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, फिर रिहा चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इनके ड्रग्स सुशांत के लिए लेना, खुद के लिए लेना, किसी और के लिए लेना, एनसीबी की एंट्री और एनसीबी की एंट्री के बाद बॉलीवुड का ड्रग्स से पूरा नाता जुड़ जाना, तो देश के कई ज्वलंत मुद्दों को छोड़ करके जिस तरीके से मेन स्ट्रीम चैनल इस मुद्दे के लिए रोज़ाना डीआरडीओ के, जहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस है वहां पर मुंबई का सीबीआई का ऑफिस है, एनसीबी है, ईडी वगैरह सब यहीं से अपना काम कर रहे हैं। तो एनसीबी की जांच फिलहाल यहां से चल रही है। इसी जांच के दौरान 24 सितंबर गुरुवार को एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर और सुनकर सभी दंग रह गए, पत्रकारों में हाथापाई हो गई। रिपब्लिक टीवी के पत्रकार और न्यूज़ 24 के पत्रकार और अन्य कुछ चैनलों के भी पत्रकार ऐसे यहाँ पर पूरा हाथापाई तक का ये मामला पहुँचा। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार हैं उन्होंने मुंबई के पत्रकारों से कहा चाय बिस्कुट खाने वाले पत्रकार, तो इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो है बात हाथापाई तक पहुँची। वैसे आमतौर पर मुंबई के तमाम पत्रकारों का लगभग कहना है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग या घटनास्थल से रिपोर्टिंग करने के वक्त, किसी भी जगह से रिपोर्टिंग करने के वक्त रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर जिस तरह से वहाँ पर चीख पुकार करते हैं, जमावड़ा भी जमा करके उस पर भी चीख पुकार करवाते, इससे अन्य लोगों को काम करने की उतनी सहूलियत और उतनी आज़ादी नहीं मिलती, उसमें अड़चने आती है। इसी वजह से कुछ दिनों से ये मामला बड़ा तनातनी वाला चल रहा था और आखिरकार रिपब्लिक टीवी के इस पत्रकार ने आज मुंबई के पत्रकारों से कह दिया कि चाय बिस्कुट खाने वाले पत्रकार, और मामला भड़क उठा। देखिए किस तरीके से ये हाथापाई हुई है। फिलहाल ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। बोल दे, फक्त बोल दे, 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 बो